जी डिजिटल कॉन्टेक्ट की, माशाल्लाह इसमें डिज़ाइनर्स, डेवलपर्स, कॉन्टेंट राइटर्स और डिजिटल मार्केटिंग के जो है वो सब और कस्टमर सर्विसेज के जितने भी उनमें तुम्हारी HR हैं और एक कस्टमर सर्विसेज की जो है कुछ कॉन्टेंट राइटर्स हैं वो अपनी पर्सनल रीजन्स की वजह से आ सकें, लेकिन ये हैं जी डॉक्टर साहब और जुल्फिकार कादमी साहब हैं, ये USA में प्रोफेसर हैं। मैं द कॉमन ग्राउंड्स जो है उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, डिस्कवर पाकिस्तान का सर हूँ। डिस्कवर पाकिस्तान अपने वीडियोस वगैरह अक्सर देखी होंगी चलती हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं ये। तो डॉक्टर साहब क्या आप थोड़ा सा कोई मैसेज करना चाहेंगे हमारे? शुक्रिया उस्मान बेग साहब, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बरादर अजीज़ जनाब अशरफ खान साहब का, ये हमेशा कोई ना कोई पाकिस्तान में मेरे आने पर ऐसा तोहफ़ा देते हैं कि जिसकी मुझे बहुत कदर होती है। और सबसे तोहफा जो है मोहब्बत का है, सबसे बड़ा तोहफा यूथ को इस वक्त जो है पाकिस्तान को यूथ की ज़रूरत है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा खूबसूरत और अहम तरीन मुल्क है जिसमें यूथ ज़्यादा है, और इस यूथ को हम इनकी डाइवर्स किस्म की जो कैपेबिलिटी है इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर भी है और प्रेजेंट भी है। माजी की बात हम नहीं करते कि हम कितनी गलतियाँ की, लेकिन ये कि आई सीन सच ब्यूटीफुल एंड ब्राइटर एंड बोल्डर फेसेस, लगता है कि ये पाकिस्तान जो है ये इंशाल्लाह और मुस्तकबिल में बहुत आगे जाए, बहुत पोटेंशियल है यूथ के अंदर। अगर हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो हमें यूथ को एम्पावर करते हैं विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ एफिलिएशन विद एनी पोलिटिकल पार्टी। पाकिस्तान इज़ आवर पार्टी, असल में इस ज़मीन से हमारा ताल्लुक जो है ना वो समझ। मुझे इंतहाई खुशी है कि आप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एक्सेल कर रहे हो, आपने अपने दफ्तर का तारुफ करवाया कि ह्यूस्टन के अंदर भी और दुबई के अंदर भी, तो ये एक पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड कि जिसके लिए पाकिस्तान को भी आपका ममनून होना चाहिए। और यूथ इज़ माई होप। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जब मैं आता हूँ बहुत सी लोग तकलीफ से बातें बताते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर उस वक्त महसूस होता है कि हमारे यहाँ तो इतने खूबसूरत और इतने डाइवर्स और इतने एनर्जेटिक ये कह लेंगे फोर्स मौजूद है, ये वर्क फोर्स मौजूद है, और ये वर्क फोर्स जो है पाकिस्तान को आगे ले जा सकती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे आपने अपने मेहमान के तौर पे बुलाया, और ख़ास मेहमान के तौर पे मैं बरादर अजीज़ जनाब अशरफ खान साहब का और तमाम दोस्तों का, ख़ास तौर पर मैं मुबशर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यू आर टॉकिंग वेरी हाई अबाउट many things in Pakistan which are happening in a right perspective. Our perspective is to serve Pakistan, to save Pakistan, to make Pakistan a great country. And we have a potential. आप उस तरफ बिल्कुल तवज्जो न दें इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, आप इस तरफ तवज्जो दें कि आपकी डायरेक्शन दुरुस्त होनी चाहिए। और कभी भी कायद अजम मोहम्मद अली जिना को मत भूलिए, जिना हैड ए ग्रेट होप विद द यूथ। उन्होंने यही कहा था कि जिस मुल्क के पास ये मेरी तहरीक के ये शहबाज और जांबाज लोग मौजूद थे, नौजवान मौजूद थे, उसको कोई अनडू नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान कैन नॉट बी अनडू, पाकिस्तान विल मेक इट्स वे एंड दिस वे फॉर ए पीस डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे बुलाया, और मेरी दुआ है कि आप तमाम तरक्की करें। यू कैन काउंट माई सपोर्ट कि मैं वहाँ रहते हुए अगर आपको किसी तरह की असिस्टेंस की ज़रूरत हो, कोई आप समझ लें कि मैं काम कर सकता हूँ। द कॉमन ग्राउंड्स बेसिकली इट्स अ थिंक टैंक इन अमेरिका, एंड वी आर यू नो ब्रिंगिंग डिफरेंट कल्चर्स पीपल टुगेदर, और अल्लाह का शुक्र है कि इस कॉमन ग्राउंड्स ने अमेरिका में एक इज्जत और एहतराम अर्न किया, और पाकिस्तान के लिए हमने बहुत से काम किए और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मेरा ताल्लुक रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्कवर पाकिस्तान आपने देखा है। जी जी, डॉक्टर कैसर रफीक आप जानते हैं, मैं उनके साथ हूँ, बतौर प्रेसिडेंट हूँ। तो अब ये डिस्कवर पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान का एक चेहरा है, आप सब चेहरे हैं, मैं चेहरा हूँ, अगर ये चेहरा बेहतर होगा तो लोग हमसे मुंह नहीं मोड़ेंगे, हमने देखना है कि इसको कैसे करना। तो बहुत शुक्रिया बन सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका।